1 दिसंबर 2018 की रात को यूके के एक छोटे से घर में रहने वाले डेविड और गिलियन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि कुछ ही देर में उनकी बेटी ग्रेस का 22nd बर्थडे था। ग्रेस पहली बार अपने बर्थडे पर घर से दूर एक सोलो ट्रिप के लिए न्यूजीलैंड गई थी, और हर साल की तरह इस साल भी वे दोनों अपनी बेटी को सबसे पहले विश करना चाहते थे। लेकिन उनकी एक्साइटमेंट कुछ ही देर में एक अजीब बेचैनी में बदल गई, क्योंकि कई बार कॉल करने के बावजूद ग्रेस का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये बात उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगी, क्योंकि ग्रेस हमेशा ट्रैवल करते हुए अपना फोन ऑन रखती थी। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी शायद कहीं बिजी होगी या उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, तो उन्होंने ग्रेस को एक बर्थडे विश का मैसेज भेज दिया। लेकिन अगली सुबह भी ग्रेस का कोई जवाब नहीं आया, और तो और उसका फोन भी अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। उसके पेरेंट्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने डर के मारे उसके दोस्तों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तभी उनमें से ग्रेस की एक दोस्त ने उन्हें बताया कि ग्रेस ने पिछले शाम को व्हाट्सएप पर उससे बात की थी, और ग्रेस ने उसे बताया था कि वह एक लड़के के साथ डेट पर जा रही है। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी ग्रेस के पेरेंट्स को उसकी कोई खबर नहीं मिली, सिवाय इसके कि वह गायब होने के पहले एक लड़के के साथ डेट पर गई थी। घबराए हुए डेविड और गिलियन ने न्यूजीलैंड पुलिस को अपनी बेटी ग्रेस के मिसिंग होने के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो न्यूजीलैंड पुलिस ने बिना कुछ देरी करते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कई दिनों तक कुछ भी पता ना चलने पर जब एक दिन डिटेक्टिव डियाना लेविस ग्रेस के सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रही थी, तो उन्होंने उसकी फेसबुक प्रोफाइल के नीचे कॉमेंट पढ़ा। इस कॉमेंट को जेसी कैंसर नाम के एक लड़के ने 1 दिसंबर की रात को पोस्ट किया था, यानी उसी रात जब ग्रेस गायब हुई थी। डायना को शक हुआ कि शायद वो वही लड़का है जिसके साथ ग्रेस गायब होने से पहले डेट पर गई थी। पुलिस ने जैसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकलवाई, तो अगले दिन उसके साथ एक फोन कॉल अरेंज की गई। इस फोन कॉल पर जेसी ने बताया कि वो खुद भी ग्रेस से उस रात के बाद नहीं मिला है, और उसे नहीं पता है कि ग्रेस कहाँ है। डिटेक्टिव डायना ने उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में आने को कहा, पर जेसी ने बताया कि अभी वो दूसरे शहर में था और इसलिए पुलिस स्टेशन नहीं आ सकता था। और साथ में उसने ये भी कहा कि वो 3 दिन बाद वापिस आते ही सबसे पहले पुलिस स्टेशन आएगा। डिटेक्टिव डायना को लग रहा था कि जेसी झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसी शहर के अलग अलग होटल्स में जाकर जेसी को ढूंढने लग गई। कई होटल्स में चेक करने के बाद उन्हें आखिरकार जेसी सिटी लाइफ नाम के एक होटल में एक गाड़ी निकालता हुआ दिखाई दिया। डायना जैसे ही उसके सामने गई, जेसी खुद को बचाता हुआ वहां से भागने लग गया। थोड़ी देर जेसी को चेस करने के बाद डायना ने उसे पकड़ लिया और इंटरोगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। इंटरोगेशन के वक्त जेसी अपने बयान पर अड़ा रहा कि वो ग्रेस से आखिरी बार उसके बर्थडे पर ही मिला था। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसने दूसरे शहर में होने का झूठ पुलिस के डर से कहा था, लेकिन अभी भी जयाना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने जेसी को इंटरोगेशन रूम में कई घंटों तक बिठा कर रखा। पुलिस की टीम यही डिस्कस कर रही थी कि जेसी के साथ आगे क्या करना चाहिए। इतने में ही उनकी टीम का एक मेंबर वहां आया, और उसने उन सबको वीडियो रूम में बुलाया। यहाँ उस ऑफिसर ने उन सबको एक सीसीटीवी फुटेज दिखवाई। ये सीसीटीवी फुटेज लाइव होटल कैमरा से मिली थी, वही होटल यहाँ से जेसी को पकड़ा गया था। इन फुटेजेस में जेसी ग्रेस के साथ एक कमरे में जाता हुआ नजर आया। उसके बाद वह 2 सूटकेसेस के साथ अकेले कमरे में निकलता हुआ दिखाई दिया। कुछ ही देर बाद वह दोबारा रूम में गया, लेकिन इस बार कारपेट क्लीनिंग मशीन और एक फावड़े के साथ। ये सारी फुटेज देखकर पुलिस को यकीन हो गया था कि ग्रेस के गायब होने में जेसी का ही हाथ था, और उन्होंने उस सीसीटीवी फुटेज के साथ जेसी की इंटरोगेशन फिर से शुरू कर दी। पहले तो वह अपने पुराने बयान पर अड़ा रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसने उन्हें सच बताना शुरू कर दिया। उसने ये कहा कि ग्रेस गायब नहीं हुई थी, बल्कि ग्रेस उसके हाथों मारी जा चुकी है। उसने ये भी बताया कि उससे ये सब गलती से हुआ था। उसने बताया कि वो और ग्रेस एक बहुत अच्छी डेट के बाद उस होटल के रूम में गए। वह दोनों आपस में प्यार कर रहे थे, और प्यार करते हुए ग्रेस के कहने पर जेसी ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन गलती से उसने ग्रेस का गला इतनी जोर से दबा दिया जिसकी वजह से ग्रेस की मौत हो गई। जब ऐसा हुआ तो जेसी के होश उड़ गए थे। जेसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक सूटकेस में ग्रेस की बॉडी को डाला और कारपेट को क्लीन करके वहां से चला गया। हालांकि पुलिस ने ऐसे केसेस पहले भी देखे थे,
लेकिन उन्हें जेसी की कहानी पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने पहले भी कई सारे झूठ बोल दिए थे। तो उन्होंने जेसी को पुलिस स्टेशन में ही रखा और अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उन्होंने उसका फोन चेक किया, यहाँ उन्हें एक डेटिंग ऐप की चैट मिली जिसमें जेसी ने ग्रेस की मौत के अगले दिन ही एक लड़की के साथ दोपहर को एक डेट फिक्स की थी। जेसी की इंटरनेट सर्च भी बेहद ही घिनौनी थी और उससे पुलिस को एक चीज समझ में आ गई थी कि जेसी एक बहुत ही गंदा लड़का था। इसके बाद पुलिस ने उसका फोन की गैलरी चेक की, यहाँ उन्हें ग्रेस की बॉडी की कई तस्वीरें देखी। उन्होंने जब इन सब चीजों के बारे में जेसी को पूछा तो उसने सारी बातें पुलिस पर डालने की कोशिश की और उसने कहा कि पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट में जब जेसी का ट्रायल हुआ तो पुलिस ने सारे सबूत वहां प्रेजेंट किए और साथ ही साथ उस लड़की को भी जिसके साथ जेसी ग्रेस के मर्डर के बाद डेट पर गया था। उस लड़की ने कोर्ट में बताया कि जेसी डेट पर उससे अजीबोगरीब बातें कर रहा था और जेसी ने उसे भी फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश की। फाइनली कोर्ट ने जेसी को मर्डर के केस में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेसी ये फैसला सुनते ही गुस्से से पागल हो गया और वही कोर्ट में जजेस को गाली देने लग गया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उसे पकड़कर वहां से ले गई। सबको लग रहा था कि जेसी की कहानी यहां खत्म हो गई थी, लेकिन जब जेसी की न्यूज मीडिया में फैली तो दो और लड़कियां पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गई। उन लड़कियों ने पुलिस को बताया कि वो भी जेसी से टिंडर डेटिंग ऐप पर मिली थी। जेसी ने चाकू के जोर पर उनके साथ जबरदस्ती की थी। जेसी के पास की जब इन्वेस्टिगेशन हुई कि वो हर लड़की से अपने प्रोफेशन के बारे में झूठ बोलता था और जो टिंडर जेसी डेटिंग ऐप पर लड़कियों को फंसा कर उनके साथ जोर जबरदस्ती करता था। जेसी अब जेल में है और वो ग्रेस के मर्डर की सजा काट रहा है। तो आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर